दोस्तों, टाटा IPL 2022 सीजन का 45-46 मुकाबला लखनऊ सुपर जेम्स और चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के बाद IPL कॉन्स्टेबल में बड़ी ही बदलाव हुए। एक नंबर में है गुजरात टाइटंस की टीम। गुजरात टाइटंस की टीम कुल 9 मुकाबले खेली है, जिसमें से 8 मुकाबले जीती है, एक मुकाबले हारी है। कुल पॉइंट है 16। दो नंबर में है लखनऊ सुपर जेम्स की टीम। लखनऊ सुपर जेम्स की टीम कुल 10 मुकाबले खेली है, जिसमें से 7 मुकाबले जीती है और 3 मुकाबले हारी है। कुल पॉइंट है 14। तीन में है राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान रॉयल्स की टीम कुल 9 मुकाबले खेली है, जिसमें से 6 मुकाबले जीती है और 3 मुकाबले हारी है। कुल पॉइंट है 12। चार में सनराइजर हैदराबाद की टीम। सनराइजर हैदराबाद की टीम कुल 9 मुकाबले खेली है, जिसमें से 5 मुकाबले जीती है, 4 मुकाबले हारी है। कुल पॉइंट है 10। पांच में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम कुल 10 मुकाबले खेली है, जिसमें से 5 मुकाबले जीती है, 5 मुकाबले हारी है। कुल पॉइंट है 10। छः नंबर में है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली कैपिटल्स की टीम कुल 9 मुकाबले खेली है, जिसमें से 4 मुकाबले जीती है और 5 मुकाबले हारी है। कुल पॉइंट है 8। सात नंबर में पंजाब किंग्स की टीम। पंजाब किंग्स की टीम कुल 9 मुकाबले खेली है, जिसमें से 4 मुकाबले जीती है और 5 मुकाबले हारी है। कुल पॉइंट है 8। आठ नंबर में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम कुल 9 मुकाबले खेली है, जिसमें से 3 मुकाबले जीती है और 6 मुकाबले हारी है। कुल पॉइंट है 6। नौ नंबर में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कुल 9 मुकाबले खेली है, जिसमें से 3 मुकाबले जीती है और 6 मुकाबले हारी है। कुल पॉइंट है 6। और आखिरी नंबर में मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई इंडियंस की टीम कुल 9 मुकाबले खेली है, जिसमें से 1 मुकाबले जीती है और 8 मुकाबले हारी है। कुल पॉइंट है 2।